नबदा बिल क़िस्म अल अव्वल अल मसाइल अल अरबअ। सबसे पहले जो प्रथम चीज़ है, हम मसाइले थलासा के जरिए शुरू करेंगे, अल मसाइल अल अरबअ। मसाइले अरबा के जरिए शुरू करेंगे। नعم अल मसअला अल औला अव्वलन ला बुद्द अन नतअल्लम। सबसे पहली चीज़ जिसका जानना हमारे लिए ज़रूरी है, فإذا تعلمنا لابد أن نعمل بهذا الذي تعلمنا حتى يجتمع العلم مع العمل. जब हमने इन तमाम चीज़ों का ज्ञान अर्जित कर लिया तो हमारे लिए अपरिहार्य है, ज़रूरी है, आवश्यक है कि हम इस पर अमल करें। نعم وإذا تعلمنا وعملنا لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به. जब हमने ज्ञान अर्जित कर लिया, उस पर अमल कर लिया, तो उसके बाद हमारे लिए आवश्यक है कि हम इसकी तरफ लोगों को बुलाएं, दावत दें। نعم ولا بد ان نصبر اولا على العلم ثم على العمل ثم على الدعوه। और जो चौथी चीज है वो ये है कि जब हमने ज्ञान अर्जित कर लिया, उस पर अमल कर लिया और लोगों को उसकी दावत दी, तो इस राह में जो कठिनाइयां हमको मिले उसके लिए हम सहनशीलता इख्तियार करें, हم उसको सहन करें। نصنع هذا في الدنيا باذن الله نجيب عن اسئله القبر। अगर हम दुनिया में इन तमाम चीजों को अपनी ज़िंदगी में ढाल लेते हैं तो अल्लाह के हुक्म से कब्र में हम वो तीन सवाल जो किए जाएंगे हमसे, उसका हम जवाब दे देंगे। الدليل على مسائل الأربع سورة العصر। ये जो मसाइल अरबा की जो भी बात चल रही है, इसकी दलील अल्लाह सुबहानहु व तआला का फरमान है सूरह असर में। نعم فأقسم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أن كل إنسان خاسر إلا الذي أتى بهذه المسائل الأربعة والله أعلم। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरह के अंदर कसम खाई है समय की, ज़माने की, कि जितने भी मानव हैं संसार में वो सभी घाटे में हैं सिवाय उन लोगों के जो इन तीन बातों पर अमल करते हैं जिसका अभी जिक्र किया गया।